हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने CSE रैप एग्ज़ाम 15 नवंबर से पहले पहले नहीं दिया तो इसकी फीस बढ़ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल और वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो इसकी फीस बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे करूंगा एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल की सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी वाले प्रेस आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे दोस्तों ये मेल जो कि हमें CSE की तरफ से मिली है। दोस्तों, आज ही मिली है हमें ये मेल जिसमें हमें सूचित किया गया। दोस्तों, ये मेल आज ही हमें हमारी मेल में आई है दोस्तों कि प्रिय BLE, आपको सभी सूचित किया जाता है कि जिन लोगों ने अभी तक रैप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या रैप रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन सभी लोगों की रैप एग्ज़ाम सर्विस 15 नवंबर 2017 के बाद डीएक्टिवेट कर दी जाएगी और साथ ही साथ रैप एग्ज़ाम की फीस 350 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, तो दोस्तों मेल में सिंपल सही और आसान शब्दों में लिखा गया है, क्लियर लिखा गया कि 15 नवंबर से पहले पहले आप एग्ज़ाम दे दें, नहीं तो इसकी फीस 350 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने रैप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है दोस्तों तो इसका ये रैप रजिस्ट्रेशन पहले तो डीएक्टिवेट हो जाएगा जिन्होंने 15 नवंबर से पहले पहले पेपर ना दिया। दोस्तों, अगर पेपर नहीं दिया तो उसका वो रैप एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और उसकी फीस 350 से बढ़कर 1000 रुपया दोबारा बढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, और नीचे एक और हमें सूचना दी हुई है दोस्तों, जिन BLE भाइयों ने रैप का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में फेल हो गए चुके हैं तो वह लोग रैप एग्ज़ाम 15 नवंबर से पहले पास कर लें, अन्यथा रैप फीस 175 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, इसमें भी बताया गया दोस्तों यही कि हमें 15 नवंबर से पहले पहले अगर हमने पेपर दिया था दोस्तों अगर हम हो गए हैं फेल तो हमें 15 नवंबर से पहले पहले पेपर दे देना, नहीं तो इसकी फीस 175 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, और नीचे हमने एक और सूचना दी हुई है, रैप एग्ज़ाम को पास करने के लिए मॉक टेस्ट को जरूर पढ़ें। दोस्तों, इसमें हमें मेन तो यही बताया गया कि हमें पेपर को 15 नवंबर से पहले पहले दे देना दोस्तों, नहीं तो हमारी फीस 350 से बढ़कर 1000 रुपया हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए हम पहले 350 रुपये भरते हैं फीस, अगर फेल हो जाते हैं तो 175 रुपये भरते हैं। दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी 15 नवंबर से पहले पहले ये पेपर दे दें दोस्तों, नहीं तो आपकी फीस 1000 रुपया हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक ये सूचना पहुँचाएं। दोस्तों, कहीं वो रह ना जाए दोस्तों 15 नवंबर से पहले पहले पेपर देने में, वरना उन्हें 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, और अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।